अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जबार रज़ा जवा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर और तमाम तारीफें उस परवरदिगार की, उस रब्बुल इज़्ज़त की जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ है। मैं इस वक्त आपको पाइसिस वालों को बताने के लिए जा रहा हूं कि आपका वीकली होरोस्कोप कैसा रहेगा 24 मार्च से 30 मार्च के दौरान ही है ये। और जैसा कि आप जानते हैं, आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, जो कि आपके कैरियर के घर में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है। और आपका जो मंसूबा दिन है वो थर्सडे, और आपका मंसूबा जो डिजिट है वो 7 है। इसके अलावा आपके लिए जो बेस्ट जवाहरात हैं यानी जेम्स थेरेपी, आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो एमरल्ड है, और इसके बाद पेरिडो है, और उसके बाद आप ग्रीन अगेट भी पहन सकते हैं। ये आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होंगे। पाइसिस के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त, क्योंकि मरकरी जो है वो असेंडेंट में, हबूत में भी और रेट्रोग्रेड भी। आप कुछ तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं, लेकिन इस वक्त मरकरी आपके तख्लीकी जहन को डिस्टर्ब कर रहा है। आप बेतकल्लफ, बेलॉस और मेहरबान होते हैं, लेकिन मरकरी इस वक्त आपको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा दे रहा है और एक किस्म के फियर का शिकार कर रहा है। ये सिचुएशन जो है वो 27 के बाद, इंशाल्लाह 28 के बाद बेहतर हो रही है, कि जब उसकी वजह यह है कि मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड था, अब ये सस्टेन होने जा रहा है। तो ये सस्टेन होना यानी मरकरी की रिजत खत्म होना भी आपके लिए एक बेहतर जो है वो सूरत हाल का बायस बन रही है। सबसे अच्छी इस हफ्ते की जो न्यूज़ है आपके लिए वो ये है कि खाना माल में सन आ चुका है, जो कि आपके माली मामलात में इंतहाई बेहतरी का बायस बन रहा है। और मजमूई तौर पर अगर मैं देखूँ तो आपके जो अखराजात में तेजी थी, जो समाजी हवाले से बहन भाई और जुकारों की वजह से आपके अखराजात में तेजी थी और उसकी वजह से आप माली बहरान का शिकार हो रहे थे, उसमें अब इंशाल्लाह बेहतरी मतवक होगी। स्पेशली वो लोग जो के मुलाजिम पेशा हैं, उनके लिए भी तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। आपके छठे घर का हाकिम जो है वो खाना माल में शफियाब हो रहा है, तो आपको एक ऐसी बेहतर जॉब का हासिल मुमकिन होगा जिससे आपकी माली पोजिशन में इस्तेहकाम आएगा। इसके अलावा आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। आपको अगर आप कोई मुलाजिम रखना चाहते हैं तो इस वक्त आपको एक ऐसा मुलाजिम मिल सकेगा जो कि आपके माली इस्तेहकाम में आपके लिए मावन साबित हो सकता है परवरदिगार की मेहरबानी से। आपके समाजी तकरीबात से मुतलका सितारा जोहरा जायचे के 12वें मौजूद, अच्छी पोजीशन नहीं थी, और बहन भाई गौरव की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ लेग पुलिंग्स का सामना था, वो भी इंशाल्लाह 27 को ख़त्म हो रही है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है, क्योंकि मार्स तो यहीं पे रहेगा अभी 27 को भी, ये 31 को ट्रांजिट करेगा अगले हफ्ते में। लेकिन वीनस जो है वो आपके असेंडेंट में अच्छे आ जाने से आपकी इज्जत वकीर में भी इजाफा होगा और बहन भाइयों के साथ जो कशीदगी थी उसका खात्मा हो सकेगा। इसी तरह अगर आप एक पाइसिस बच्चे हैं और स्केल 12 से नीचे की आप एजुकेशन ले रहे थे, तो भी आपके लिए भी इंशाल्लाह अब 27 के बाद बेहतरी आ जाएगी। आपके खानगी मामलात, आपके शादी अज़वाजी तल्लुकात, ये इस हफ्ते भी बेहतर नहीं है, ये सिलसिला भी आगे चलता नज़र आ रहा है। आपको अपने खानगी माहौल को बड़ी एहतियात के साथ लेकर चलना पड़ेगा, जगह की तब्दीली बेहतर नहीं होगी, और घर और अज़वाजी मामलात को, शादी माली मामलात को आपको अलग अलग करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज ये अगर मिक्सअप हो गए तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपकी कशीदगी इतनी बढ़ सकती है कि घर का माहौल ख़राब हो, बात अलहदगी तक जाती नज़र आ रही है, आपको बेहद एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। सवारी की तब्दीली और मुरम्मत वगैरह के लिए भी ये वक्त जो है वो अच्छा नहीं होगा। औलाद आपकी, बच्चों के हवाले से और आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन सिर्फ 25 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं। कमर दर्द का 25 तारीख को, चूंकि मैं पिछले हफ्ते ही बता चुका कि 23 को कमर दर्द का स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो अगर आपने अभी भी कमर दर्द का सदका नहीं दिया तो पहली फुर्सत में कमर दर्द का सदका दीजिए और इस मामले को आप सिक्योर कर सकते हैं। आपकी मंगनी के हवाले से जो है वो 25-26 से जो है टू वर्ल्ड अच्छी मामला बन रहे हैं। स्पेशली आपके लिए 27 तारीख बहुत अच्छी होगी, आपका कहीं से प्रपोजल आने के इम्कान मौजूद हैं। अगर अभी तक आपकी मंगनी तय नहीं पाई तो अब इसके तय पाने के इम्कान मौजूद होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा
बच्चों के हवाले से आप कंफर्ट जोन में नजर आते हैं। अगर आप स्केल 12 से 14 की एजुकेशन ले रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेहतर है। आप एक से जायद सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं और इस वक्त आपकी सोच जो है वो बेहतर भी है, लेकिन आपको बहुत मोहतात रवि से फैसले करने होंगे क्योंकि ताले में मरकरी मौजूद है जो कि हबूत में आपसे गलत फैसले करवा सकता है। आपकी सेहत और जॉब के बारे में मैं आपको बता चुका, ज़वाजी शक्ति मामला में आपको बता चुका, पहले से जो आपकी शाकादारियाँ चल रही हैं उसी को बचा लेना बेहतर होगा, नई के बारे में तो अभी आप नहीं सोच सकते। आपके विरासती मामला में और मुश्तरक माली मामला में भी इंशाल्लाह 27 के बाद बेहतरी आ रही है, ये रुके हुए मामला भी अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आपके बिरून मुल्क सफर, आपके सोशल ज़ुकारब, आपकी स्पेशलाइजेशन, इसके हवाले से जो आपके मामले हैं वो इस हफ्ते भी बेहतर नज़र नहीं आ रहे। तमाम हफ्ता आपको मोहतात रवि से चलना होगा। वीज़ा वगैरह अप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि इस वक्त आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ही महदूद हैं। आपके 9th हाउस का लॉर्ड अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे खड़ा है, 25 डिग्री अबव कर चुका है, तो अब ये चांसेस आपके नहीं होंगे। दूसरा, ये नामे घर के मुकाबले पे खड़ा है, ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम का बाइस बनेगा। आपको अपने सुसाली जुकारब के साथ बड़ी ही मोहतात रवि से चलना पड़ेगा और आपका बिरूने मुल्क सफर का अगर कोई प्लान था तो वो भी पॉस्टपोन होता नजर आ रहा है। करियर रोजगार के वाले से इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तमाम हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप मुलाजम पेशा हैं तो इस हफ्ते आपको तरक्की मिल सकती है, आपका बॉस और कुदरत दोनों आप पे मेहरबान नजर आते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप एक घरेलू खातून हैं और मैरिड भी हैं तो आपकी मदर लॉ के साथ आपके ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और मजीद बेहतर होते नजर आ रहे हैं। आपके दोस्त अहबाब पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके लिए बेहतरीन मावनत का बायस है। आपकी लक इस हफ्ते भी अरूज पे है। तमाम हालात के बावजूद लक आपका साथ इस वक्त भी दे रही है और आपकी ख्वाहिशात की तकमील होती नजर आ रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप ऐसे दोस्तों से फायदा ले सकेंगे जो कि उम्र में आपसे बड़े हैं या तजर्बे में आपके से बहुत ज्यादा है, या ऐसी खवातीन खानदान की जो कि उम्र में आपसे बड़ी है, कोई मुतलका या बेवा खवातीन है, वहां से आपको भरपूर फायदा मिल सकेगा। इनकी तरफ आपको तवज्जो करने की जरूरत होगी। अगर आप बिरूने मुल्क मुकीम हैं, जगह तब्दील करना चाहते हैं, सवारी तब्दील करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन हफ्ता है, आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए या बिरूने मुल्क से ही रहते हुए इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए एक बेहतर वक्त है, आप बिला तकल्लुफ ये काम कर सकते हैं। मजमूई तौर पर देखूँ तो ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है और जो चीज़ें मैंने आपको मोहतात रहने का इशारा दिया है उससे अगर आप मशावरत के साथ और कदरे मोहतात रवि के साथ चलाएं तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन पुश करना ना भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो वीडियोज़ हैं और हर हफ्ते जो हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके अलावा हमारे चैनल पे सजेशंस आपके पास आ रही हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मौजूद हैं जो कि आपके लिए हर सूरत इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी और चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। ये जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये समझने में आसानी होगी और आपके जो दीगर फैमिली मेम्बर हैं उनके ज़ोडिक साइंस के हवाले से भी जो वीकली प्रेडिक्शंस हैं वो भी मौजूद हैं, देखना ना भूलिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।